और आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम पुराने कपड़ों का रीयूज़ कैसे करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूँगी, आप लोग फ़ोटो देखिएगा कि कितनी सुंदर लग रही है फ्रॉक। और ये फ्रॉक मैंने बनाई है पुरानी शर्ट से, तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने कपड़ों पर, अपने घर में रखे हुए कपड़ों का रीयूज़ कर सकते हैं। मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से पुराने कपड़ों का रीयूज़ करके दिखाती रहूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इसी तरीके अच्छी लगे और भी आगे इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आती रहूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पुरानी शर्ट रखी हुई है मेरे पास, तो इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर मैं मेरी बेटी की ही फ्रॉक रखी है उसी को, उसको भी फिर फोल्ड करके बस इसी के ऊपर रख दूंगी और इसको कट कर लूंगी। इसको सीधे सेम इसी तरीके से मैं कटिंग करूंगी जैसे इसमें कटिंग हो रही है, मैं फ्रॉक को इसके ऊपर ही रख के शर्ट के। आप लोग भी इसी तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए, शर्ट और फ्रॉक दोनों को फोल्ड करके उसके ऊपर रख के इसको कटिंग कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है, इसको फिर मैं खोल लूँगी। आस्तीन मैंने इधर कट गई हैं और मुझे गला बाकी रह गया है, तो मैं गला भी इसको फोल्ड करके कट कर लूँगी। इसका भी गला मैं छोटा ही रखूँगी क्योंकि बच्चे की फ्रॉक है, तो गला हम छोटा ही रखें। क्योंकि आगे से फ्रॉक खुली भी है, शर्ट में बटन पहले से ही लगे हुए हैं, शर्ट आगे से खुली हुई है तो दिक्कत नहीं करेगी बच्चे को पहनाते समय। और अब मैं इसे कच्ची सिलाई में आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं खुद मैं बाद में इसमें मशीन से सिलाई लगा लूँगी। आप लोग भी, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन आप लोग मशीन से सिलाई करिए ताकि मजबूत रहे, कच्ची सिलाई तो खुल जाएगी बच्चे के पहनते ही। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, आप लोग भी इसी तरीके से गले में और दोनों आस्तीन की तरफ भी हमको लगा लेनी है इसी तरीके से सिलाई। देखिए मैंने फिर इसमें मशीन चला लिया है सिलाई, मैंने कच्ची सिलाई हटा दूंगी मैं इसको बाद में, अभी मैंने इसमें मशीन भी चला लिया है तो ये मजबूत हो गई है। और अब जो ये दोनों शोल्डर हैं, इन दोनों शोल्डर को मैं जॉइंट कर दूंगी।
बाद में इधर साइड साइड दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है हमको। ये देखिए मैंने शोल्डर सिल लिए हैं और अब इधर साइड की सिलाई लगाऊंगी मैं। आप लोगों को अभी फ़िलहाल मैं कच्ची सिलाई लगा के दिखा रही हूँ और आप लोग मशीन से सिलिए, क्योंकि मैं भी बाद में इसको मशीन से ही सिलाई लगा लूँगी इसकी। इसी तरीके हमको दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे आप बेल्ट भी लगा सकते हो बच्चों में, फ़िलहाल मैं इसको सादा ही रहने दूंगी। मेरे पास एक रेडीमेड बेल्ट है, मैं वो लगा लूँगी। आप लोग अगर चाहो तो इस कपड़े की बेल्ट भी बना के लगा सकते हो। या आपके पास कोई भी पुरानी कपड़े की बेल्ट रखी हो तो आप उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास दूसरी ही ड्रेस की बेल्ट लगी हुई है, रखी हुई है, तो मैं उसको ही इसमें लगा के अपने बच्चे को पहना दूंगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से आप लोगों के पास जो भी कपड़े हों घर में उनको इस्तेमाल करिए। और घर में कपड़े रखे रखे भी सोचते हैं ना कि कहाँ रखें इन कपड़ों का, तो आप इसी तरीके से रीयूज़ करिए अपने कपड़ों का। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपके ना हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है। तो आप आगे आप मेरी बेटी की वीडियो देखिए।